किया तो वो दोनों एक जैसे लतिका ने राजकुमारी के नाम का जिक्र किया तो वो दोनों एक साथ बोले, ये नाम तो, कहते हुए वो अचानक रुक गए। तब गौतम बोला, क्या जो मैं सोच रहा हूँ वही तुम्हारे दिमाग में भी चल रहा है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये नाम अजयराज बार बार किसी कारण के बिना नहीं ले रहा था, वो जानबूझकर तुम्हें नंदिता बुला रहा था। ये सुनकर लतिका उठ खड़ी हुई और हैरानी के साथ बोली, और ऐसा करने का एक ही कारण हो सकता है, वो जो लड़की जिसे हमने पास्ट में देखा था वो कोई और नहीं। कहते हुए लतिका हैरानी से खुद को आईने में देखकर रुक गई। तब गौतम भी बेड पर सहारा लेते हुए बैठकर बोला, हाँ तुम सही समझी, वो लड़की ही है जो तुम्हारा पिछला जन्म है। इतना सुनना था ही कि लतिका हैरानी से गौतम को देखकर बोली, लेकिन उसने मुझे महारानी भी कहा था, उस बात का क्या भैया? तब लतिका की बात का जवाब देते हुए गौतम कुछ सोच कर बोला, सिंपल सी बात है, तो किसी ना किसी राज्य की रानी तो रही ही होगी ना, इसमें सोचना क्या है? ये सुनते ही लतिका दोबारा पलंग पर बैठकर हैरान होकर कुछ सोच रही थी। तभी गौतम दोबारा बोला, अब किस सोच में पड़ गई? तब लतिका बिल्कुल धीमी सी आवाज में बोली, भैया मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं पिछले जन्म में राजकुमारी या रानी रही होगी, पर जो भी हो मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि इतना सब कुछ हमें कालदूत अंकल के आने के बाद मालूम पड़ा, पर उस अजयराज ने ये सब कैसे पता किया होगा? ये सुनते ही गौतम ने लतिका पर तंज कसते हुए कहा, एक मिनट, क्या कहा तुमने, उसे कैसे पता चला? लगता है तुमने लड़ाई के टाइम चश्मा पहन रखा था। जो आदमी बिना किसी हथियार केवल कुछ मंत्रों के सहारे हम पर जानलेवा हमले कर सकता है, तो मुझे नहीं लगता ये सारी बातें जानना उसके लिए कोई बड़ी बात रही होगी। पर ये भी तो हो सकता है कि अजयराज भी तुम्हारे पिछले जन्म से ही हो, लतिका बोली। लेकिन इसके बारे में कालदूत अंकल ने कुछ नहीं बताया, मुझे अभी के अभी जाकर उनसे बात करनी चाहिए। तब गौतम बोला, लतिका सुबह के 4 बज रहे हैं, मेरे ख्याल से इस बात को छोड़कर थोड़ा रेस्ट तुम्हें भी कर लेना चाहिए। इतना सुनकर लतिका गौतम के कमरे से बाहर निकल आई और वहीं खड़े होकर मन ही मन सोचते हुए खुद से बोली, अब ये बात मुझे सोने नहीं देने वाली, मुझे अभी के अभी जाकर पापा से बात करनी चाहिए। ये कहते हुए लतिका सीधा चेतन के रूम की ओर चली गई। दूसरी तरफ चेतन कालदूत की बात सुनकर हैरान था, वो हैरान और परेशान होकर बोला, लेकिन कालदूत क्या लतिका मजबूती से इस कंडीशन को संभाल पाएगी? तुमने उसके साथ समय गुजारा है, तुमने क्या महसूस किया? कालदूत चेतन की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, चिंता मत करो, वो तुमसे भी ज्यादा स्ट्रांग है, और वैसे भी तुम अपने आप को देखो, जब पहली बार तुमने टाइम ट्रेवल किया था तो तुम्हारे कारण पूरी टाइम लाइन खराब होते होते रह गई, वो तो तुम्हें याद ही होगा ना? तब चेतन ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल याद है, तुम्हारे साथ अतीत में बीता हर एक पल याद है मुझे। तब कालदूत बोला, हाँ हाँ लेकिन तुम्हारी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, चिंता मत करो वो हैंडल कर लेगी। इस सब में कमाल की बात यह है कि उसका पिछला जन्म किसी और नगर और किसी और समय में हुआ, फिर भी तुम्हारी ही नियति से जुड़ी है। कालदूत की इस बात ने चेतन को हैरानी में डाल दिया। चेतन ने तुरंत ही पूछा, मतलब कहना क्या चाहते हो? कहते हुए चेतन ने थकावट से भरी उबासी ली। तब कालदूत बोला, मतलब को छोड़ो, फिलहाल मुझे जाना चाहिए, तुम्हें भी नींद आ रही है, वैसे भी ये रात थोड़ी मुश्किलें लेकर आई थी। ये कहते हुए कालदूत जाने ही वाला था कि तभी पीछे से लतिका ने आवाज देते हुए कहा, अंकल एक मिनट, मैं आपको बुलाने ही वाली थी लेकिन आप मुझे यहीं मिल गए, अच्छा हुआ। लतिका की आवाज सुनकर कालदूत पीछे मुड़ गया और बोला, हाँ लतिका बोलो, अब क्या समस्या आ गई? तब लतिका मुस्कुराते हुए बोली, मैं जान गई हूँ कि वो लड़की जो हमें पास्ट में मिली थी उसमें और मुझमें क्या सिमिलैरिटीज है। ये सुनकर चेतन और कालदूत दोनों ध्यान से उसे सुनने की पोजीशन में आ गए। तब लतिका बोली, अंकल सच बताइए, क्या वो राजकुमारी ही मेरा पिछला जन्म थी? क्योंकि उसका नाम भी नंदिता था और आज अजयराज ने भी मुझे यही नाम लेकर बुलाया था। तब कालदूत चेतन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, देखा मैंने कहा था ना कि लतिका तुमसे भी ज्यादा होशियार है। इतना कहकर कालदूत लतिका की ओर देखते हुए बोला, सही समझे, बाकी कहानी बाद में, अभी जाओ जाकर रेस्ट करो। इतना कहते हुए कालदूत ने लतिका की ओर से आने वाले सवाल से पहले ही चुटकी बजाई और वहां से चला गया। इसके बाद लतिका और चेतन कुछ देर तक बातें करते रहे।
दूसरी ओर अजय राज अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अपनी जगह की ओर चला जा रहा था। जैसे वो अपनी जगह पर पहुंचा, उसके गुरु विभूतिनाथ की आत्मा उस पर तंज कसते हुए बोली, ओ, तो तुम्हें रक्षक कुल के लोगों से मार पड़ी है। मैंने तुमको सावधान किया था, तब भी तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। इस आवाज को सुन अजयराज पूरे गुस्से में अपने आसपास रखा सारा सामान जोर से फेंकते हुए चिल्लाया, मैंने कहा मुझे हिदायत देना बंद कीजिए। जब आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो मुझे सलाह देना आपके अधिकार में नहीं है। हाँ माना, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका सम्मान भी करता हूँ, लेकिन फिलहाल इस एक और अपमान के बाद मैं और ज्यादा कुछ कहने की क्षमता में नहीं हूँ। कहते हुए वो एक जगह जाकर बैठ गया और मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोला, मुझे आपको मुक्त कराना ही नहीं चाहिए था, मुझे लगा आप मेरा साथ देंगे, लेकिन आप तो मेरे शत्रु की तरह मेरा ही अपमान किए जा रहे हैं। जैसे अजयराज ने यह बात कही, तभी अचानक चारों तरफ एक काला धुआं फैलने लगा। ये धुआं उड़ता हुआ सीधा अजयराज के चेहरे के सामने आकर रुक गया और उस धुएं में एक चेहरा निर्मित होने लगा। ये चेहरा विभूतिनाथ का था। विभूतिनाथ अजयराज से बोला, मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा था, मैं तो बस तुम्हें वो सब बता रहा हूँ जो मैंने देखा है। वो लोग शक्तिशाली है, हो सकता है ईश्वर की दिव्यता भी उनके साथ हो, इसलिए तुमसे कहा था कि अपना मार्ग बदल लो और लौट जाओ अपने साधारण जीवन में। इतना सुनना ही था कि अजयराज गुस्से से उस धुएं के बीच से निकलते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। उस मूर्ख चेतन ने जो अपने आप को रक्षक कहता है, उसने मुझे जीवित छोड़कर अपने जीवन में अंधेरे को न्योता दिया है। मैं बताऊंगा उसे कमजोर कौन होता है। अपने पैरों पे गिराकर उससे उसकी बेटी की जिंदगी के लिए भीख ना मंगवाई तो मैं भी अजयराज नहीं। कहते हुए अजयराज अपने आसन के करीब पीछे बिस्तर पर जाकर लेट गया। दूसरी तरफ चेतन और लतिका की बात खत्म हुई तो चेतन लतिका से बोला, मुझे पता है तुम अभी अभी इस जर्नी से लौटी हो, तो तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, तुम हर पल यही सोच रही होगी कि आगे क्या हुआ होगा। चेतन की बात सुन लतिका ने भी कमरे में टहलते हुए कहा, हाँ पापा, बस यही सब मेरे दिमाग में चल रहा है, मुझे सारी बातें जान लेने की जल्दी है। तब चेतन बोला, लेकिन बेटा तुम्हारे जल्दी करने से कुछ नहीं होने वाला। टाइम गेट एक फिक्स टाइम के लिए कालदूत के हाथ में आता है, और जब तक वो ना चाहे हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जाओ, जाकर आराम करो और कल से कॉलेज शुरू कर दो। हम लोगों को दोहरी जिंदगी जीना सीखना पड़ता है। वो तुमने देखा है ना कि सुपर हीरो कैसे होते हैं, एक तरफ अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं और दूसरी तरफ अपनी हीरो वाली जिंदगी जीते हैं। वैसे ही क्या पता अपने लिए लड़ते लड़ते कल को तुम्हें दुनिया के लिए भी लड़ना पड़े। लतिका ने चेतन की बात सुन उन बातों का कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उन बातों पर कोई और सवाल किया। वो चुपचाप चेतन के कमरे से निकलकर सीधा अपने कमरे की ओर चली गई। अपने बिस्तर पर लेटी लतिका का दिमाग अब भी उस राजमहल और वहां मौजूद भीड़ के बीच फंस कर रह गया था। वो अपने आप से बात करते हुए बोली, अगर उस आदमी ने मुझे महारानी कहा है तो मुझे जानना है कि आखिर मैं किस तरह रानी बन गई। साथ ही उस अजयराज के बारे में भी पता चल गया तो मैं इस नई मुसीबत को सॉल्व कर अपनी निजी जिंदगी जी सकती हूँ। कहते हुए लतिका अपनी आंखें बंद कर लेट गई। अगली सुबह लतिका गौतम के साथ कॉलेज के लिए निकली। जैसे वो कॉलेज के मेन गेट पर पहुंची तो उसके सभी दोस्त वहीं गेट पर खड़े थे। वो लतिका को एक हफ्ते के बाद कॉलेज में देखकर बहुत खुश हुए। एकाएक शालिनी की नजर गौतम पर पड़ी, जिसके सिर पर चोट के कारण पट्टी लगी हुई थी। साथ गले को आराम देने के लिए नेक बेल्ट लगा हुआ था। गौतम लतिका को छोड़ते हुए वहां से निकल गया। तब शालिनी लतिका को सभी से थोड़ा दूर ले जाकर बोली, एक वीक से कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कहां थी तू अब तक? तब लतिका ने थोड़ा बात को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं यार, तुझे तो पता है मेरी तबीयत खराब थी, सो मैं रेस्ट कर रही थी। ये सुन शालिनी तुरंत बोली, ओ चलो, थैंक गॉड तू ठीक तो हो गई। तुझे पता नहीं है, तेरे वाले इंसिडेंट के बाद वो ओल्ड वॉशरूम परमानेंट के लिए बंद कर दिया गया। और एक बात, 3 दिन पहले वो कॉलेज प्रोजेक्ट के पोस्टर सूर्य भिजवाए थे, वो प्रोफेसर को आउटस्टैंडिंग लगे हैं। पोस्टर की बात सुनते ही लतिका के माइंड में वो सारी बातें फिर से रिपीट होने लगी। तो बनावटी हंसी हंसकर बोली, क्लास में चले अब। कहते हुए वो आगे चलने लगी, तभी शालिनी उसे एक बार फिर से पीछे से आवाज देकर बोली, लतिका सुनो, एक सवाल मेरे मन में था, ये
तुम्हारे भैया को क्या हुआ? उन्हें इतनी सारी चोट कैसे लगी? लतिका के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। तब वो झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए बोली, एक काम करना मैडम, जब वो मुझे लेने आएंगे ना, तब तू खुद ही उनसे पूछ लेना, ओके? अब चल। इतना कहकर लतिका वहां से निकल गई। लेकिन इस सब के बीच शालिनी को लग चुका था कि कुछ तो ऐसा है जो लतिका बताना नहीं चाहती थी। कुछ पल सोचकर वो भी लतिका के पीछे चली गई। क्लास खत्म होने के बाद लतिका अब भी वहीं बैठी थी। गौतम उसे पिक करने वाला था। तब उसने मन ही मन सोचा, तब तक क्यों ना कोई नई पेंटिंग शुरू की जाए। उसने स्टैंड पर बोर्ड सेट किया और उस पर शीट पेन करके पेंटिंग बनाना शुरू कर दी। देखते देखते लतिका पेंटिंग बनाने में पूरी तरह से खो चुकी थी। लगभग डेढ़ घंटे के बाद अचानक से फोन बजा तो लतिका फोन पिक करते हुए बोली, ऑन माई वे, प्लीज वेट। ये फोन गौतम का था जो उसे ले जाने के लिए आ गया था। लतिका ने फोन रखा और बोर्ड से शीट को अलग कर दिया और उस पेंटिंग को अपनी आंखों के सामने रखकर देखते हुए बोली, पता नहीं तुम कौन हो, लेकिन जो भी हो, मैं तुम्हें जल्द ही ढूंढ लूंगी। इतना कहते हुए उसने शीट का रोल बनाकर उसे बैग के साइड पॉकेट में रख लिया और जैसे वो क्लास से बाहर निकली, शालिनी ने उसकी वो शीट छीन ली जो कि दरवाजे से बाहर छपकर खड़ी थी। वो शीट को खोलते हुए बोली, किसे ढूंढने की बात चल रही है लतिका? ये सुनते ही लतिका उससे वो शीट छीनने की कोशिश में बोली, नहीं शालू, प्लीज वो मत खोल। बाय द वे, तू अब तक गई क्यों नहीं? तब शालिनी बोली, मेरा छोड़, पहले मेरी बात का जवाब दे। क्या बड़बड़ा रही थी अंदर? क्या है इस शीट में? तब लतिका हिचकिचाहट के साथ बोली, कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, मैंने कब कुछ कहा? तब शालिनी बोली, ठीक है मत बता, अभी पता चल जाएगा। कहते हुए उसने शीट खोल ली। आखिर क्या था उस शीट में? लतिका किसे ढूंढने की बात कर रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू का नया अध्याय।